नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 6 मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और मैंने बाई सेल लेवल कम स्किनर का थ्रू में बाई लेवल सेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ये 100 EMA स्ट्रेटेजी इनसाइड द बार इनर फोर इनर सेवन कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन दिखाता हूँ। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रेटेजी है, टेक्निक्स है, जो भी जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा ये जो फाइल है इसका इसको कैसे स्क्रीनिंग करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे यूज किया जा सकता है, इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए तो इसका अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो ये आप लोग इस्तेमाल करके कैसे आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसका वहाँ फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है, इसमें मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ। और ये इसका सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को उधर मिल जाएगा। जो लोग एलिस ब्रो इन स्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहता है तो उधर यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा, उसके शो में आप लोग ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए मैंने निफ्टी का चार्ट, थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा हूँ, तो ऑन डेली चार्ट का। तो देखिए इधर पहले तो ये हायर हाई तो ज़रूर बना रहा है, लेकिन ये लोअर हाई अभी तक बना नहीं पाया है, क्योंकि इधर जो कल जो लो दिया था वो बहुत ही नीचे आ गया था। और जो आज का जो कैंडल बना है तो देखिए इधर थोड़ा सा इसका अपर का विक ज़्यादा है और ये बुयरिश कैंडल है और इसका अपर विक ज़्यादा है और ये नीचे का विक कम है, तो थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न बना है। ये तो ऊपर उठने का कोशिश मतलब ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलर का प्रेशर इतना प्रेशर है कि ये फिर से नीचे आके नीचे चला रहा है और नीचे आके क्लोजिंग दिया है। आप लोग इधर देख सकते हैं कि ये इधर ओपन हुआ था, यह ओपन हुआ था 11,306 में और आई गया था 11,399 पे, लेकिन इसका उसके बाद नीचे आ गया 11,244 पे यार, और क्लोजिंग दिया है 269 पे, इधर क्लोजिंग दिया है, इधर ओपन हुआ था आप लोग देख सकते हैं, इधर ओपन हुआ था इसके बाद इसका हाई गया था, इसका क्लोजिंग हुआ, तो इसका देख सकते हैं आप लोग इधर ट्रेंड अभी तक बहुत ही नीचे है, थोड़ा सा रिवर्सल इधर से, ये जो थीन लाइन आप लोग देख सकते हैं इधर जो स्टेप लाइन जो थीन ये इधर से नीचे आया था, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल जरूर दिया है, लेकिन ये बहुत ही नीचे ट्रेंड में है। इसका अप ट्रेंड जाने के लिए एटलीस्ट 11,800 का लेवल इसका क्रॉस करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है वही आप लोग को दिखाऊंगा, और ट्रेंड तो जरूर नीचे है लेकिन थोड़ा सा अप मूवमेंट दिखाने का कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा अप में जाने का रिटेस जो जितना नीचे गिरा था उसके बाद ये थोड़ा सा रिटेस होने का कोशिश कर रहा है। तो इधर जो फिलहाल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, पहले इसका रजिस्टर 11,379 में इसका हरवान का लेवल है, इसमें इधर पिवट का लेवल दिखता है, इधर से पिवट का लेवल है 11,282 के आसपास, इसका पिवट का लेवल है 11,379 पे फर्स्ट रेजिस्टेंस है, 11,495 पे सेकंड रेजिस्टेंस है, 11,559 में इसका थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा, इसके बाद 11,635, इसके बाद 11,785, इसके बाद 800 का ऊपर जाएगा तो नीचे ऊपर जा सकता है। नीचे इसका जो सपोर्ट बना है इधर 11,189 में इसके बाद सपोर्ट बना है, उसके बाद इधर जो बना है 11,137 पे इसका सेकंड सपोर्ट बना है, उसके बाद ये इधर 10,965, उसके बाद 10,957, उसके बाद फिर ये और भी नीचे जा सकता है, इसका प्रोजेक्शन तो अभी नीचे ही दिखा रहा है।
देखना पड़ेगा क्या होता है। तो आप ट्रेन में जाने का थोड़ा सा कोशिश करेगा, लेकिन ट्रेन बहुत ही डाउन पे है तो लगता नहीं है कि इतना मतलब गिर चुकेगा, ब्रेक डाउन होगा, लेकिन आप में भी जाने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। और इधर से पहले जो पहले से वो गिर चुका था 11,900 10,650 तक, पहले वाला वीडियोस भी हम लोग दिखा था, तो उधर तक इतना नीचे आएगा ऐसा लगता नहीं है। तो थोड़ा सा अप ट्रेंड में, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का कोशिश कर रहा है। और इधर बैंक निफ्टी में जो बना है लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के चलना पड़ेगा। एक सर्टेन अब लोग जो लोग इंटरडे कर रहा है तो ये सब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा है वो दिख सकता है, और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में करना चाहता है तो एटलीस्ट 11,800 या 11,650 का लेवल आप लोग को देखना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी का देखता हूँ, इसका निफ्टी का थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों, इसका देखिए बैंक निफ्टी का जो बना है एक प्योर एक 2G कैंडल बना है, थोड़ा सा हल्का सा एक बॉडी है, एक प्योर 2G कैंडल बना है। इसका भी इसका कल का ये इनसाइड द बार भी है, ये कल का हाई लोग ब्रेक नहीं कर पाया। और इधर बैंक निफ्टी और भी थोड़ा सा नीचे ट्रेंड है निफ्टी का हिसाब से, तो इधर इसका पहले वाला जो इसका देखिए इधर फर्स्ट जो इधर सपोर्ट है इसका यही अभी तक इसका रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इधर ये कुछ 28,895 में बनेगा, इसके बाद इसका पिवट पॉइंट जो है इधर इधर जो पिवट पॉइंट बना है 29,165 इतना सब बनता है, उसके बाद 29,246, उसके बाद इसका 29,391 273, उसके बाद 391, उसके बाद ये बनता है 29,606 में 648 में, उसके बाद 29,833, उसके बाद और भी नीचे से जा सकता है, ऊपर जा सकता है। और नीचे का जो सपोर्ट बनता है इसका सपोर्ट तो इधर सपोर्ट तो इधर बनेगा मतलब 28,683 में 28,680 के नीचे इसका सपोर्ट बनेगा। उसके बाद ये इसका जो सेकंड सपोर्ट बनेगा वो है 28,480 पे, उसके बाद ये 28,370 पे, उसके बाद और भी नीचे जा सकता है, ये और भी आप लोग देख सकते हैं इधर मंथली सपोर्ट वीरियस सपोर्ट ये भी ब्रेक हो चुका हो सकता है 27,972 27,970 या इसके बाद 27,982 उधर 27,535 में इसका तक आ सकता है। तो देखते हैं और भी कुछ चीज़ एनालिसिस करना पड़ेगा। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है उन लोग को लिए 29,500 या 30,000 का लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 26,650 का नीचे का लेवल इम्पोर्टली इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन चेन देखते हैं। इन द मीन टाइम मैंने इसका जो फिबोनाची लेवल्स है ये आप लोग को दिखाऊंगा, ये आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंडेक्स है, ये हाई लो क्लोज है, और ये पिवट पॉइंट है, और ये बाई का एंट्री लेवल है और टारगेट है, या सेल का एंट्री लेवल है और वो टारगेट है। ये देखिए आप लोग इधर ध्यान से नोट कर लीजिए, ये चार वाला, तो इसमें आप लोग को लाइव मार्केट में मॉनिटर करने के लिए बहुत ही काम पे आएगा। अब आप लोग नोट कर सकेंगे और वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो देखिए निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है तो इसमें इसका PCR रेशियो है 0.87 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर गया है कल का हिसाब से, थोड़ा सा 0.81 ऐसा कुछ था या 0.71 ऐसा कुछ होगा। ये मैंने